तो दोस्तों अब बताना, यहाँ तक आना वर्थ इट है कि नहीं है, अभी आपको दिखाने वाला हूँ मैं कुछ। दोस्तों कुछ दिखना शुरू हुआ आपको? कुछ दिखना शुरू हुआ? हाँ, फ्रिज में भी मिलेगा ये तो। और ये फ्रिज में मिल जाएगा बोल रहे हो, देखो सामने। लेकिन वो नहीं मिलेगा फ्रिज के अंदर, उस सामने देख रहे हो वो पूरी हिमालयन बेल्ट है। अभी जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मेरे हिसाब से कम से कम यहाँ पे 1.5 फुट के आसपास तो बर्फ पड़ी होगी। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दिस गड़गड़ा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर दोस्तों, आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो ये है कि मैं जा रहा हूँ देहरादून, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। और अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली उत्तराखंड में काफ़ी जगह पर स्नोफॉल हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी स्नो आज दिखाई जाए। तो फिलहाल मैं अभी देहरादून पहुँच के, सौरभ है मेरा फ्रेंड है, उससे मिलूँगा और फिर हम वहाँ से सीधा निकलेंगे मसूरी और धनौल्टी की साइड। देखते हैं अगर कानाताल भी आज अगर पॉसिबली हो पाया तो हम वहाँ भी होते हुए आएंगे। और दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, सो आज अगर आप स्नो देखना चाहते हो मेरे वीडियो के थ्रू तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करना। एंड अभी आपको थोड़ा सा मैं देहरादून के रूट का टाइम लैप्स दिखाता हूँ, सो दैट आप थोड़ा सा उसे भी इंजॉय कर सकें। एंड मिलते हैं आप सब सीधा देहरादून में टाइम लैप्स के बाद। चलिए तो दोस्तों अभी मैं अपने दोस्त सौरभ के साथ पहुंच चुका हूं एंड मैं आपको मिलवाते हैं उससे फटाफट और चलते हैं अभी यहां से। आ गया हमारा दोस्त, क्या हाल चाल? चलो तू ही चलाएगा भाई, मैं ही चला रहा, मैंने वीडियो बनाना। तो दोस्तों ये है हमारे देहरादून की शान, राजपुर रोड। दोस्तों पर वीडियो में बने रहना क्योंकि जो मेन कंटेंट है हमारा वो है आज का स्नो, आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी ये जो आगे है ये आपको एक सर्कल आने वाला है, अगर आप सीधा निकलते हो तो आपको साईं मंदिर वाला रूट पड़ेगा और अगर आप यहाँ से लेफ्ट लेते हो तो आपको DIT वाला रूट पड़ेगा। अभी हम लोग जो प्रेफर करने वाले हैं वो DIT वाला रूट करने वाले हैं। तो ये अपना यहाँ से तिराहा टाइप का है, अभी हम लोगों ने DIT का रूट लिया, तो आपको DIT भी अभी आपको इस वीडियो में दिखेगा एंड IMS भी दिखा रहे हैं आपको। तो दोस्तों ये है हमारा IMS, ये देहरादून का काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है और अभी ये सब यूनिवर्सिटी बन चुकी है। और ये देखोगे आप के आसपास कितने सारे कैफे वगैरह खुले हैं। तो ये है मेन गेट IMS का और इसके ही थोड़ा सा पास में ही आपको DIT मिल जाएगा, अभी आपको DIT मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका DIT का मेन गेट। दोस्तों जो मैंने आपको रूट बताया था ना, ये दोनों रूट देखे हो, आपकी जो रोड है ये अभी जाके कनेक्ट हो गई है, तो जो डाइवर्जन था वो यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाता है। और अभी मसूरी के बैंड आपको दिखे कितने धाकड़ होते हैं। यहाँ पे ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पार्किंग का, मतलब प्रॉब्लम पार्किंग का नहीं है, लोगों को पार्किंग नहीं आती, बस प्रॉब्लम इस चीज़ का है। तो ये रहेगा शिव जी का मंदिर जो काफ़ी पॉपुलर है एंड तकिया कॉलेज। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं धनौल्टी वाले रूट पे, हम लोगों ने मसूरी से बाईपास ले लिया था और जो रोड है काफ़ी नैरो है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा अपने को भी, इससे हमारी स्पीड लिमिट जो है वो बहुत कम है। ये देखो ट्रेलर आप अभी देख चुके हो। यार यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है गाड़ी चलाना। तो दोस्तों अब बताना, यहाँ तक आना वर्थ इट है कि नहीं है, अभी आपको दिखाने वाला हूँ मैं कुछ। सौरभ वर्थ इट है पे खड़े से कुछ दिखाना लोगों को या नहीं? मत दिखा या ये खुद डिसाइड करेंगे? मत दिखा, मत दिखा, मत दिखा। अबे यार यहाँ तक आए तो दिखाना तो पड़ेगा ना। पहले तो ये दिखा नीचे, पहले नीचे वाला देखो फिर आप सामने देखना। चलिए दोस्तों कुछ दिखना शुरू हुआ आपको? कुछ दिखना शुरू हुआ? हाँ,
फ्रिज में भी मिलेगा ये तो। और ये फ्रिज में मिल जाएगा और वो देखो सामने, लेकिन वो नहीं मिलेगा फ्रिज के अंदर। उस सामने देख रहे हो वो पूरी हिमालयन बेल्ट है। अभी जूम करके दिखाता हूँ आपको, अब जूम करके दिखाते हैं आपको रेंज। ये है हिमालय रेंज। यार मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये एक्चुअल में वीडियो में कितना जस्टिफाई कर रहा होगा, बट भाई जो अपनी आंखों से हम लोग देख रहे हैं ना वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। अभी देखते हैं हम लोग कहाँ तक जाते हैं और कितना आगे तक आपको दिखा सकते हैं, बट ये सच में बहुत सही है। अब देखो ढंग से, मतलब मेरा मन कर रहा है ना बाइक लेकर सीधा वहीं पहुँच जाऊँ, बट वहाँ जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। यार एडवेंचर की ये वाली जो साइट है ना सच में मतलब ऑसम है। देखो इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और वो सामने जो वहाँ तक का रही है, मतलब जो स्काई वॉक है ना यहाँ का वो सच में ब्रिलियंट है और मेरा मन है जल्दी करने का। आई थिंक इससे बड़ी स्काई वॉक मैंने अभी यहाँ पे तो नहीं देखी, मतलब मैं खुद कर चुका हूँ कई बार बट इतना लंबा नहीं देखा मैंने। अभी हो सकता है कि आने वाले टाइम पर मैं यहाँ पर आऊँ फैमिली के साथ और फिर मैं से ट्राई करूँ और मैं ज़रूर करूँगा। इसका नाम है द हाई फ्लाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी कुछ करने के लिए, साइकिलिंग है बहुत कुछ एरिया पर करने के लिए। वो 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 बहुत सही टाइट दिखे जाएंगे सत्योर धनौल्टी चंबा। हाँ भाई टाइट दिखे जाएंगे? नहीं 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 अभी चलते सीधा, पहले अपना उसका देखते हैं। अरे पहले पेट्रोल पंप पूछ लेते हैं, ऐसे ना धक्का मारना पड़े। जब मैं जब पंगा होता है, पंगा ये है कि पेट्रोल अपने को मिल नहीं रहा है, अपने उड़वाना है पेट्रोल, और यहाँ पे जो ब्लैक में पेट्रोल मिल रहा है वो मिल रहा है 150 रुपये मिल रहा है। तो अभी हम तो निकल चुके हैं, बाकी हमारी किस्मत है कि मतलब अगर धक्का मारना हो तो धक्का मारेंगे, नहीं तो ठीक है। ये आज हम डिसाइड करके निकले करके आपको बर्फ अंदर दिखानी है, मतलब बर्फ के अंदर पड़ा चल रहा है, मतलब मेरे तो कपे उल्टा हो रहा है कि मैं ऋषिकेश से मसूरी, मसूरी से धनौल्टी, पे धनौल्टी से चंबा जाऊँगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अभी यार ये वीडियो ना देख लिया करो, वीडियो मतलब बड़ी मेहनत लगती है बनाने में सही में। और जो जो व्यू और जो व्यू मैं दिखाता रहता ना कोई खतरनाक से, मतलब अपनी आँखों से जो मैं देखता हूँ फिर आपको दिखा दो कैमरे के थ्रू। नहीं देखो मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि अपनी आंखों से पहले जो देखा अच्छा लगा फिर अपनी आंखों को कैमरे में उतार के फिर आपको भी दिखा रहा हूँ मैं व्यू। ये देखो सामने पड़ी है बर्फ, बट मज़ेदार है भाई बहुत। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़ा की हवा ठंडो। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मसूरी या धनौल्टी पे चाहते हैं बाइक राइड करना, सो आपको राजपुर रोड मतलब मसूरी से पहले बाइक रेंट पे अवेलेबल होगी, आप वहाँ से ले सकते हो और देहरादून से भी ले सकते हो। वैसे पैटर्न यही है कि आप अगर आते हो तो देहरादून तक अपनी कार से आओ और फिर वहाँ पर अपनी कार खड़ी करके बाइक रेंट पे लेके आराम से मतलब मज़े लो। बिकॉज पता क्या पहाड़ों में जो मज़ा है ना वो तभी है अगर आप बाइक पे हो या फिर आपकी जो गाड़ी हो ना उसमें सनरूफ हो, वरना भाई जो मौसम का जो मतलब कह रहे ठंडी ठंडी हवा जो चेहरे पे लगती है ना ये वाला मज़ा नहीं ले पाओगे गाड़ी पे। इसीलिए तो मैं बाइक चला रहा हूँ, इसीलिए हम बाइक पे निकले हैं। मैंने अपनी गाड़ी खुद देहरादून में खड़ी करी है और अभी हम लोग देखो बाइक पे हैं। चलिए फिर हम नज़ारे देखिए आगे के और दिखाते हैं आपको आगे। भाई लोग हमें लगता है ना ये वीडियो बनाने के चक्कर में ना इस बार अपनी लगने वाली है आज, ये जो बर्फ देखने के चक्कर में मैं आ गया हूँ ना, मतलब हम दोनों जो आ गए ना इतनी दूर। वहाँ पे भी नहीं भरी, वहाँ पे भी पेट्रोल नहीं था, वहाँ पे भी नहीं था। आज थोड़ा सा मतलब डाइसी है, सिचुएशन डाइसी है। ये देखो बर्फ पड़ी है, बर्फ 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 ऑलरेडी में। और ये देखो देखो बर्फ, हमने कहा था आपको बर्फ के पास ले जाएंगे तो लेके तो आ गए भैया हम।
देखो प्रॉमिस तो हमने पूरा किया ही है। ये देख रहे हो ऊपर, ये जो वाइट वाइट आपको दिख रही ना, ये बस ही है अपनी। और ये बंदे यहाँ पे उतर के गाड़ी खड़ी करके बीच उसमें बस का मज़ा लेते हुए अब पता नहीं कैसे लेंगे। अब बर्फी अभी इतनी मिलेगी यहाँ पे तो ज़्यादा चेहरे हिमालय जाना पड़ेगा अपने को। हिमालय अपने बस की बात नहीं है, अभी टंकी में एक ही बत्ती चल रही है वो भी ब्लिंक हो रही है। तो दोस्तों देखो सामने चादर पूरी बर्फ से ढकी हुई थोड़ी बहुत, और ये थोड़ी नीचे है अपने आस पास, और ये स्विस रिसोर्ट यहाँ पे स्विट्जरलैंड से आया है। क्या सही लग रहा है, चल उतरे यार। ये देखो आप लोग बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है सच में, अमेजिंग यार। मतलब इतना सही जगह है ना, और इतनी सही लोकेशन लग रही है ना अभी तो भाई। आपके तो पत्ती बन गई है और फिंगरप्रिंट भी नहीं आ रहे भाई। फिंगरप्रिंट भी नहीं आ रहे देखो मोबाइल पे। वाओ वाओ वाओ, अरे भाई सहा, यहाँ से बेल्ट देख भाई हिमालय की। तू मत देखियो अभी, तू बाइक चला बड़ी सही पड़ गई बेल्ट पर, देख लो ये। और भाई सामने देख लो पूरी बेल्ट भाई साहब, ऑसम यार सच में, वाओ ब्यूटीफुल यार, लिटरली ब्यूटीफुल। मतलब आज ना सच में यार पूरा दिन बन गया भाई, इतने दिन से जो व्लॉग नहीं किया था ना आज लग रहा है भाई। भाई मतलब और ये यहाँ निकाल इसको तो आगे निकाल दो भाई, रुक जा थोड़ा सा साइड, रुक जा यार, हदों की भाई कर क्या रहे हो। ये यहाँ का कौन सा ताला है भाई, यार कौन सा ताल है, तालों में ताल नहीं, ताल छोटा नहीं ताल है। क्या सामने कुछ में गाड़ी सामने देखते रहिए भाई। अच्छा इधर उधर कर दे तू, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ मुझे पहले। बहुत भाई हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, एंड होपफुली आपको भी आ रहा हो। पैर ऊपर कर ले चाचा, पैर ऊपर करने पड़ेंगे बड़ा स्लसी। ओह माय गॉड, चले कोई बात नहीं, गाड़ी यार मतलब सच बता रहा हूँ इतनी खूबसूरत ना, इतनी खूबसूरती मतलब अलग लेवल हो रखा भाई इस टाइम धनौल्टी मसूरी। सही में मसूरी तो नहीं, सॉरी मैं करूँगा बट हाँ धनौल्टी मतलब बहुत ही ऑसम हो रखा है इस टाइम में। और धनौल्टी से कानाताल वाले रूट पे आपको ये पूरी बर्फ वगैरह दिखेगी, और यहाँ से सामने ना मतलब हिमालय जब दिख रहे हैं आपने वो, मतलब मेरा अलग ही हो जा रहा भाई। कोई साइड लगा ही ले तू गाड़ी, देख ही लेते एक बार थोड़ा ढंग से, इनको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं वीडियो पे। अरे आगे और चलेंगे ना अभी। वाओ यार वाओ वाओ, वो पहलो 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 होली होली है भाई, देख रहा हूँ हमने होली मना लिया अभी। और ये अब कीचड़ है थोड़ा, कीचड़ वाला हिसाब किताब देखो, कीचड़ तो अपने को मिलेगा बिकॉज अगर बर्फ पिघलेगी तो आपको इस टाइप की जो रोड है पैर अच्छे में नीचे थोड़ा चालू रहना पड़ेगा बिकॉज अगर गाड़ी स्लिप करी तो अपने तो अपन लोग जाएंगे कीचड़ में। और अपने पास अभी ना कोई क्या बोलते हैं उसको दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं फिलहाल के लिए। और ये स्नोमैन बनता हूँ भाई साहब, शाबाश बहुत सही बहुत सही। और यहाँ पे ये बॉटल ठंडी होती हुई बॉटल लगा रखी भाई, वहाँ पे ठंडी कर देगी भाई। एंड यार मतलब भाई आज ना सच में मजा आ गया भाई, बट अभी ना मैं समझ सकता हूँ 100 रुपये क्या बीत रही होगी क्योंकि हमारे जो हाथ है ना सुन हो चुके हैं, ग्लव्स तो हम लोगों ने पहने नहीं है, साथ में पेट्रोल भी गाड़ी में कम है। यार मेरे को लग रहा है मैं ना 3-4 दिन बाद दोबारा आने वाला हूँ यहाँ पे, ऐसा गल जाएगी भाई। यार क्या मतलब भाई मैं
भाई साहब यहाँ तो पेड़ों पे भी दिख रही है बर्फ। गजब यार गजब, सच में गजब। यार ये व्लॉग ना मैं लंबा रखूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ना इसमें इतनी बर्फ दिखाने वाला हूँ ना मैं आप लोगों को। ये देखना बिल्कुल पेड़ों से तक अभी मतलब जो है यहाँ पे बर्फ पूरी नहीं हो रही है। अरे गुफा देखो अंदर भाई, ये बार बार तो नहीं बैठा हुआ भाई। ज़्यादा कोने में मत दबाओ। बीच में तो कीचड़ है ना, कीचड़ में कोई दिक्कत नहीं है भाई, साइड में बिल्कुल है बर्फ। यहाँ पे मेरे हिसाब से कम यहाँ पे 1.5 फुट के आसपास तो बर्फ पड़ी होगी। 1.5 फुट से हमारे अरे यार ऊपर से पेड़ों पे अभी तक लगी हुई है भाई। कौन कहता है कश्मीरी जन्नत है हमारा? अरे हमारे उत्तराखंड, हमारा जन्नत दिखा रहे हैं आपको अभी। हमारा उत्तराखंड आइए, जन्नत दिखाते हैं हम आपको। अरे जन्नत दिखा रहे हैं अभी वीडियो पे हम लोग तो। वैसे भाई लोग आप लोगों के लिए अपडेट है, पेट्रोल भर चुका है, धनौल पे मिला अपने को बड़ा महंगा। हाँ मतलब मैंने ये चीज है यार लगाओ अबे साले हाल देख। चलो ऊपर चलते, साले मैं तो फिसल जाऊंगा जूते साले मैं तो। तुम मेरे क्या लगे, मेरे भी वही है भाई। ये देख कोशिश तो करता है यार। चल साले भाई साहब नजारे देखो, फिसलेंगे तो हैं बट फिसलने के लिए तो आ रहे हैं। थोड़ा आराम से चलियो हैं। भाई साहब गंदी जीता फोटो चढ़ता था। हाँ यार ये ले इसे खींचो, बना दे वीडियो मेरा। 6% बचा तेरा। तेरी बात बहुत ताजी बर्फ है यार। दर्शकों को दिखाएंगे आप पीछे तो देखो पीछे। ये हमारे यहाँ पे जो वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या फार्मिंग बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग होती है। हाँ ये वो है देख। अरे तुझे पता ये जो है ये पेड़ किसके हैं? चीड़ कर देना वही बात आएंगे। सेब के पेड़ हैं ये। कौन से ये सेब के पेड़ हैं? ये पहाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, इधर दिखा रहा हूँ भाई। इधर तुम भी वैसे गढ़वाली इधर कल देखो, हम लड़ने लग जाएंगे कोई बात नहीं। कल आप गढ़वाली कल आप लोग व्यू देखो ठीक है। ये हल्की सी अपने को धूप की थोड़ी सी वो मिली है। यहाँ पहाड़ियों देख कितना गंदे है और दोस्तों ये इस तरह से व्यू है यहाँ पर। और हम खा रहे हैं मैगी पहाड़ की मैगी चाय। हाँ जी पहाड़ की मैगी का एक अलग टेस्ट आता है।
मैगी तो सब खाते हैं घर पे, लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट आता है ना, एक तो मौसम का क्लाइमेट का प्लस यहाँ का जो पानी है उसका जो टेस्ट है वो पूरा डिफरेंट है। वैसे ही बात तो सही है, आप कभी भी किसी भी हिल स्टेशन में चल जाओ वहाँ पे आपको मैगी ऐसे मिलेगी, अच्छी मिलेगी। चाहे घर में कितनी अच्छी मैगी बना दो, बट जब पहाड़ों की, घर में आप कुछ भी डाल दो लेकिन पहाड़ में आके वहाँ का एनवायरनमेंट में आके मैगी खाना, मतलब यार ये देखो तुम ये जो पट्टा डाला ना भाई ने यहाँ पे, ये पट्टा डाला हुआ देख रहे हो, बर्फ पड़ी है हर जगह पर, और सामने व्यू देखो यार, मतलब देख रहे हो रेस जो ऐसे करके साइड से नीचे आ रही है, और सामने आगे देखो हिमालयन दिखेगी आपको, देखो जूम करके ये देखो। तो ना यही है भाई, ये है जिंदगी। तो अब करते हैं इस वीडियो का एंड। सौरभ भाई दर्शकों को क्या बोलो और बता दो, अगली बार हम नए एडवेंचर पे कुछ ना कुछ और थोड़ा सी सही सी जगह लेके चलते हैं आपको। हाँ जा सकते हैं, यहाँ पे देहरादून एक्सप्लोर करने के लिए बहुत जगह हैं जहाँ जा सकते हैं। अभी हम बर्फ़ देखने आए थे तो आपको ये जगह दिखाई हम लोगों ने। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्लान करते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, सॉरी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा है लड़का, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब। और मैगी अभी दिखा दो मैं आपको, मैगी कैसी बनी। तो दोस्तों ये अपना शाम का ब्रंच, अरे मैगी वैगी अपनी तैयार हो चुकी है विद दिस व्यू। चले बाय।